नमस्कार फ्रेंड्स, कल है 10 नवंबर। कल के लिए देखें कल कौन से स्टॉक बात खरीदें, उसके लिए मैं टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा। कल सबसे पहले मैं बता दूँ, फेडरल बैंक 55 रुपये 70 पैसे चल रहा है इसका करंट प्राइस। इसका चार्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, इसने पिवट पॉइंट इसने क्रॉस कर दिया है और 20 डे की मूविंग एवरेज, ये 20 डे की मूविंग एवरेज की लाइन है और ये माराबुजू कैंडल बनी हुई है। 20 डे की मूविंग एवरेज से ऊपर, इसका मतलब ट्रेंड बुलिश है। MACD की एक पैरामीटर हमें पता पड़ गया कि 20 डे की मूविंग से ऊपर है, माराबुजू कैंडल बनी हुई है, इसका मतलब ट्रेंड बुलिश है। ये दूसरा ट्रेंड है। दूसरा जो पैरामीटर है वो है आपका है इंडिकेटर्स, वो है MACD। जब MACD की ब्लैक लाइन ऊपर होती है रेड लाइन से, समझ लो ट्रेंड बुलिश हो जाता है। RSI भी ऊपर की तरफ है, इससे साफ साफ जाहिर है फेडरल बैंक भी बुलिश ट्रेंड है, तो फेडरल बैंक बाय करें। दूसरा आप बात करते हैं मोंटे कार्लो, 190 रुपये 80 पैसे प्राइस चल रहा है इसका करंट। यहाँ पर देखिए, एक पैरामीटर तो बना है, इसमें माराबुजू कैंडल नहीं बनी हुई। ये जो कैंडल है ये माराबुजू कैंडल है, ये जो कैंडल बनी हुई है ये वाली, ये माराबुजू कैंडल है, बट इसमें कैंडल में विक नज़र आ रहा है। विक कैंडल कुछ मतलब खास कैंडल नहीं होती, उसमें धोखा रहता है। बट 20 डे की मूविंग एवरेज से ऊपर है कैंडल, ठीक है ठीक है। और यहाँ पर MACD की जो ब्लैक लाइन है वो क्रॉस नहीं हुई है, यहाँ पर ब्लैक लाइन क्रॉस नहीं है, ऊपर की तरफ नहीं हुई, इसका मतलब है ट्रेंड अभी बुलिश नहीं है पूरी तरह से, हम इसकी बोल नहीं सकते इसमें बुलिश है। RSI भी ठीक है, RSI भी जरूर थोड़ा ठीक लग रहा है, बट जो MACD की लाइन है ये भी क्रॉस नहीं हुई ब्लैक लाइन, और यहाँ पर जो माराबुजू कैंडल नहीं बनी हुई, इसलिए मोंटे कार्लो आप नहीं बाय करें। तीसरा मैं स्टॉक बताऊँ वो LTI, 3,279 रुपये करंट प्राइस चल रहा है। इसका चार्ट देख लेते हैं फ्रंट। यहाँ पर देखिए माराबुजू कैंडल है, जबरदस्त माराबुजू कैंडल, आपको पता, देखिए ये माराबुजू कैंडल है तो ये भी बनी है, जब ये बनी है तो ये भी बनी हुई है। माराबुजू अगर कैंडल बनती है उसका मतलब है अगली कैंडल भी अच्छी ही बनेगी। 20 डे की मूविंग एवरेज से कैंडल बनी हुई है, इसका मतलब ट्रेड ट्रेंड बुलिश है। यहाँ पर MACD की जो लाइन है ब्लैक लाइन, ये भी ऊपर निकल गई है, RSI भी ऊपर है, तो इसका मतलब ट्रेंड बुलिश है, तो LTI आप बाय करें, ठीक है। LTI इसमें बुलिश ट्रेंड है। टेक महिंद्रा की बात करें, 872 रुपये चल रहा है। यहाँ पर भी देखिए माराबुजू कैंडल बनी हुई है, ये पिवट पॉइंट से ऊपर है और 20 डे की मूविंग एवरेज से ऊपर है कैंडल, ठीक है। यहाँ पर MACD की लाइन भी ब्लैक लाइन ऊपर की तरफ है और RSI भी ऊपर की तरफ है, इससे ट्रेंड ये बुलिश है टेक महिंद्रा, ठीक है। तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं कल। यह जुबली फूड या मैकडोनल्ड का है, सॉरी डोमिनोज का है, ठीक है। 2,335 रुपये करंट प्राइस चल रहा है इसका। और इसका चार्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पर भी जबरदस्त माराबुजू कैंडल है, 20 डे की मूविंग एवरेज से ऊपर है, पिवट पॉइंट से ऊपर है। ये जो ब्लैक लाइन है पिवट पॉइंट की लाइन है, और यहाँ पर देखिए MACD जो ब्लैक लाइन, ये भी ऊपर की तरफ है और RSI भी ऊपर की तरफ है, राइट। सो आप इसको भी आप बाय कर सकते हैं, जुबली फूड का, डोमिनोज का। तो मैंने जो स्टॉक बताए हैं उसमें फेडरल बैंक, LTI, टेक महिंद्रा और जुबली फूड यानी कि डोमिनोज, तो ये चार स्टॉक अच्छे बुलिश ट्रेंड है। हर एक स्टॉक में आपको 7 से 10% मिल सकता है, वो भी 1 या 2 हफ्ते के अंदर। इसमें मोंटे कार्लो का आप रिस्क ना लो, मोंटे कार्लो छोड़ दो, बाकी चार स्टॉक आप ले लो, ठीक है फ्रेंड्स। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तो कल आप ये चार स्टॉक बाय करें और आपको हर एक स्टॉक में 7 से 10% आप रिटर्न बन सकता है 1 या 2 हफ्ते के अंदर। थैंक्स फॉर द वॉचिंग योर वीडियो।